दूतं शरणं प्रपद्ये अन्निन्द्राय नमः कालपुत्राय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः श्री उमामहेश्वराभ्याम नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आदित्यावसुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम धनुषधारी भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अपने
अपनी शक्ति के माध्यम से भगवान की उपासना करेंगे। आइए, सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं और जो आवाज सुन रहे हैं, यदा कदा जहां तहां वो जल्दी से जल्दी मंदिर प्रांगण में आ जाए। प्रधान जी हमारे उपस्थित हो चुके हैं, समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं, आप सभी यथाशीघ्र पहुंचे। अब हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग की बहुत बहुत संत महापुरुष भगवान की धरती पर आए, मृत्यु लोग राम हो रावण हो जाको हो परिवार, उसका मतलब ये है कि राम जी धरती पर आए तो उनको जाना पड़ा, रावण को भी जाना पड़ा। एक लाख पुत्र सवा लख नाते उस रावण भर दिया ना भाती, मतलब एक लाख पुत्र सवा लख नाते, अंदाजा लगा लो कितना बड़ा परिवार था। लेकिन माफ धर्मों की है मैसेज ही लगे कम चार वेदों पर ज्ञाता है, उनको पता था रावण को भी, लेकिन उन्होंने अपना उद्धार करवाना था और इस मृत्यु लोग में उन्होंने मैसेज दिया। अब हमने उससे शिक्षा लेनी है, हम पते की रामायण देख लेते हैं। पहले मंचन होता था, स्टेज होता था, हम भी कई जगह दो नंबर एक नंबर पांच नंबर एक तलाक में मंच लगाए जा रहे हैं, खुद बन रहे हैं वो। लेकिन पहले हमारे अहमद हुसैन जी चाचा जी हमारे पिता चंद्रलाल हुसैन जी और हनुमान जी का रूप बनते थे, चाचा जी सीता का रूप बनते थे, उसके बाद ये पीछे से बोलते थे आगे लोग रामलीला का मंचन होता था। हमें देखना यह है कि सिर्फ रामलीला में देखनी नहीं है, हमें जीवन को उतारना है। उन बुजुर्गो ने हमें जो दिया कि हमें राम का रोल करना है, हनुमान की तरह सेवक बनना है, माता पिता अगर पिताजी ने कह दिया कि बनवास जाओ तो जाना है। आजकल माता पिता को बच्चे हाथ दिखाते हैं, जदा तो ले लेते हैं लेकिन वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। नारी का अपमान हो रहा है, बच्चे आगे नहीं मानते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लाल में जला दिया जा रहा है, बहन बेटियों को मार दिया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे नशाखोरी की तरफ पैसे संघ का ये सूत्र संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में शक्ति का निवास संघों में है, एकत्र एकता में। जैसे ये पांच उंगली अलग अलग है तो एक उंगली से कोई चाहे कुछ काम हो जाए तो नहीं होगा, जब पूरा बजा होगा और बजे को जब पांच उंगली जब मुट्ठी बन जाएगी तो बड़ी से बड़ी ताकत बन जाती है। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा का जो पाठ है इसका उद्देश्य यही है कि हम सबको एक साथ जोड़ना है, मुट्ठी का रूप बनाना है, एक शक्ति के रूप में हम लोग को एकत्रित होना है। और आज माँ भगवती कालरात्रि का दिन ये शक्ति स्वरूपा भगवती के नौ रूप है। प्रथमम शैल पुत्री च तृतीयम ब्रह्मचारी तृतीयम चंद्र घंटे की पूषमानेति चतुर्थकम् पंचम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कात्यायनी च महापौनी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रदीप्तिका। तो ये जो सप्तमी है आज तिथि, माता का रूप है आज कालरात्रि। आज की जो रात्रि है इस रात्रि में जो भी उपासना की जाती है, जो भी साधना की जाती है, जो भी भगवान का गुणगान गाया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में शक्ति आती है, लक्ष्मी आती है, बुद्धि आती है और पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। और हमारा जो काल है, क्योंकि भगवती काल रात्रि, तो हमारे जीवन का जो काल है वो सुधर जाता है। काल माने घड़ी, काल मतलब सब Thank you.
बच्चे संस्कार ही करें, माँ बाप नाम रोशन करें और देश में माँ बाप का नाम, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। माँ भारती का मस्तक विश्व में ऊंचा हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर कुछ विघटन कार्य ताकते हैं, कुछ आतंकवादी ताकते हैं जो नहीं चाहते कि विश्व गुरु माँ भारती बने और उसमें करोड़े डाला जाते हैं। इस समय हमें एक होने की जरूरत है ताकि यह राजनीति खत्म हो। लोकतंत्र में सब की बात कहें लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से कहें, तो उसी कड़ी में हमें एकता की जरूरत है और कल आए ना आए इसलिए अपनी बात भी कहें, किस मंच पर कहें, कहां कहें, आज समय नहीं है किसी के पास, सबको जल्दी है, लेकिन जा कहां रहे हैं, कहां से आए हैं, इस पर विचार करना है। मैंने किया लेकिन मैंने ये सोलह धारण किया, मैंने पंचायत नाम जुड़ा पाड़ा जब अपने पिंडदान कर लिए, संस्कार कर लिए, अब मेरा कोई मोह माया का मतलब नहीं है। मुझे घाटू भी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे सहमति बनी है, तो मरना सच्चाई है, जीवन झूठ है, तो आपने एकता बनानी है और प्रभु मुझे शक्ति दे, मेरी टीम को शक्ति दे, हमारी संस्था में एकता रहे, क्षेत्र में शांति रहे, घर परिवार में शांति रहे, और देखना मैं रहूंगा ना, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन कारवां बनेगा, क्षेत्रवाद, आशावाद, जातिवाद, ऊंच नीच खत्म होगी। धन्यवाद। श्री जय श्री राम, जय श्री राम। अमर वाक्य बिहारी लाल की जय। पुनः आपको बधाई देता हूँ। माता रानी सबके जीवन में अंधेरे दूर करे, सबके परिवार का कलेश दूर करे, सबकी मनोकामना पूरी हो और इसी तरह देश में एकता, देश ठीक हो जाएगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, इसलिए मन भराता है। ये अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं और बुरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। धन्यवाद। जय माता दी।